हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार के सभी सदस्य काफ़ी मज़े में होंगे। घर पर रहते हुए अपने सभी कार्य सकुशल कर रहे होंगे और स्टूडेंट सभी घर पर रहते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेकर आ रहा हूँ, अपन ने 3 चैप्टर देख लिए थे बायोलॉजी के, आज चौथा चैप्टर चालू कर रहे हैं, लेसन 4, पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, यानी कि स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, उसका पार्ट फर्स्ट के ऊपर आज अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसकी मुख्य 4 विधियाँ होती है, विशिष्ट विधियाँ, असंग जनन, अनिषेक बीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन। उनमें से 2 विधियों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। एक तो है असंग जनन, जिसे एपोमिक्सिस कहते हैं, और दूसरा अनिषेक बीजता, जिसे एगामोस परमी के नाम से अपन जानते हैं। तो इनके बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा, मैं एक बात कहूँगा स्टूडेंट से कि डेली आपसे रिलेटेड मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ, 12th बायोलॉजी और 12th AG बायोलॉजी। वो तो आप देखी कि ग्रुप में, इसके अलावा भी अगर मैं कोई वीडियो शेयर करता हूँ और आपको देखने के लिए कहता हूँ तो वह आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, उसको इग्नोर मत किया किए, क्योंकि वह 12th से रिलेटेड उसमें साइंस के टॉपिक या क्वेश्चन है अगर होते हैं तभी मैं वीडियो आपके पास वो शेयर करता हूँ, इसलिए आप उसे भी ज़रूर देखा कीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं, लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो नोट्स अपने को बनाने हैं लेसन 4 के। लेसन 4 पार्ट का नाम पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, और अब देखिए शुरू करते हैं इस चैनल को, इस पार्ट को अपन। तो देखिए, पेड़ पौधों में सामान्यतः जनन कायिक व लैंगिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है कायिक व लैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है जनन, जिनके बारे में अपन भली प्रकार से जो फर्स्ट चैप्टर था अपन ने वहाँ पर अपन ने पढ़ लिया था कायिक जनन क्या होता है, फिर लैंगिक जनन दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया था। तो इन सब के बारे में अपना पढ़ा हुआ है। कोई आज पहली बार वीडियो पर आया या चैनल पर, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीछे 3 पार्टों के वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, वहाँ से देखकर आप उन्हें पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो पेड़ पौधों में सामान्यतः जनन कायिक व लैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है, परंतु कई बार कई पौधों में जनन की ऐसी विधियाँ भी पाई जाती है जिनमें बिना निषेचन के ही नए पौधों का विकास हो जाता है, यानी बिना निषेचन के ही नया प्लांट बन जाता है, नया बीज बन जाता है। उन सभी विधियों को क्या कहते हैं? जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक या लेखक इनको अलैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं, यानी कहने का मतलब है विशिष्ट जनन विधियां किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए तो अपन ये लिखेंगे कि पेड़ पौधों में सामान्यतः कायिक व लैंगिक विधियों के द्वारा जनन की प्रक्रिया जो होती है वह संपन्न होती है, लेकिन कई बार कुछ पौधों में जनन की ऐसी विधियां भी पाई जाती है जिनमें बिना निषेचन के ही नए प्लांट या नए पौधे का विकास हो जाता है। तो ऐसी विधियों को अपन विशिष्ट विधियों के नाम से जानते हैं, और इन विशिष्ट विधियों को अपन एक प्रकार से अलैंगिक जनन की संज्ञा भी देते हैं। फिर आगे अपन लिखेंगे कि पादपों में जनन की जो विशिष्ट विधियाँ होती है वह मुख्य 4 प्रकार की अपने चैप्टर में दे रखी है। तो पादपों में जनन की विशिष्ट विधियाँ 4। फर्स्ट, असंग जनन, यानी कि एपोमिक्सिस। फर्स्ट कौन सी है? असंग जनन दे रखी है, जिसे अपन एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। सेकेंड है अनिषेक बीजता, जिसे एगास्पर्मी के नाम से जानते हैं, एग्मोस्पर्मी। फिर सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। चौथी विधि है कायिक प्रवर्धन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से अपन जानते हैं। तो इस पार्ट के अंतर्गत अपन इन 4 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो अपना पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का, उसमें मुख्य रूप से अपन असंग जनन और अनिषेक बीजता, इन 2 विधियों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब अपन हेडिंग लगाएंगे असंग जनन या एपोमिक्सिस, जो अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी असंग जनन या एपोमिक्सिस। तो देखिए, इसमें हैंस विंकलर, वैज्ञानिक है हैंस विंकलर, 1908 के अनुसार सामान्य लैंगिक जनन की
सामान्य लैंगिक जनन का ऐसी किसी भी विधि द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होता है असंघ जनन कहलाता है। यानी कि इस बात को समझिए, विंकलर क्या कह रहे हैं कि सामान्य तौर पर लैंगिक जनन पादपों में अपन देख रहे हैं उसका प्रतिस्थापन यानी उसकी जगह अपन कोई दूसरी विधि काम में ले रहे हैं, और वह विधि अगर ऐसी हो जिसमें न तो अर्धसूत्रण होता है न ही निषेचन होता है। अर्धसूत्रण का मतलब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है और निषेचन यानी कि युग्मक संलयन की क्रिया भी नहीं होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? असंघ जनन कहा जाता है। यानी कि असंघ जनन जो विधियां होती है वह लैंगिक जनन का क्या होती है? एक प्रतिस्थापन रूप अपने मान सकते हैं। फिर आगे देखिए, इसी में जो भ्रूणिकी वेता होते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं, भ्रूणिकी विज्ञान के जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें कहते हैं भ्रूणिकी वेता या एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो भ्रूणिकी वेताओं के द्वारा कायिक प्रवर्धन एवं अनिषेक बीजता को भी असंघ जनन के अंतर्गत रखा गया है। यानी भ्रूणिकी वेताओं के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन एवं अनिषेक बीजता होती है उसे असंघ जनन के अंतर्गत ही अपने मानते हैं, और उपयुक्त परिभाषा के अनुसार असंघ जनन जो होता है वह मुख्य दो प्रकार का होता है। असंघ जनन जो होता है मुख्य दो प्रकार का होता है। फर्स्ट तो अपन कहते हैं बीजाणुद्भिद असंघ जनन होता है, और सेकंड कौन सा होता है? युग्मकोद्भिद असंघ जनन होता है। फर्स्ट अपन करेंगे बीजाणुद्भिद असंघ जनन। तो यह अपस्थानिक भ्रूणता भी कहलाती है, यह अपस्थानिक भ्रूणता भी कहलाती है। इस प्रकार के असंघ जनन में अपन देखते हैं अपस्थानिक भ्रूणता इसे कहते हैं। इस प्रकार के असंघ जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय या अध्यावरण आदि की किसी भी द्विगुणित कोशिका से होता है। इस दौरान अर्धसूत्रण व निषेचन नहीं होगा। यानी कि जो फर्स्ट विधि दे रखी है बीजाणुद्भिद प्रावस्था उसे अपस्थानिक भ्रूणता कह रहे हैं। अपस्थानिक भ्रूणता का मतलब क्या होता है कि अपन देख रहे हैं भ्रूण का निर्माण कब होता है? जब अपन मानते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है उसकी अंडकोशिका नरयुग्मक के साथ केंद्रक संलयित होती है तो उससे अपन मानते हैं निषेचन, और निषेचन से भ्रूण बनता है। लेकिन जब अपन कहते हैं कि वहां पर अंडकोशिका के अलावा अन्य पार्ट भाग ले रहे हैं जैसे बीजांड का अध्यावरण आदि की सेल्स भी क्या ले रही है वहां पर निषेचन में भाग लेती है, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा वह भ्रूण निर्मित होता है। और इसमें भी अपन मानते हैं न तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है और न ही इसके अंदर क्या मान सकते हैं निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो यह अपस्थानिक भ्रूणता इसे कह सकते हैं। सेकेंड जो देर का वह और है युग्मकोद्भिद असंघ जनन यानी कि गेमिटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इस प्रकार के असंघ जनन में भ्रूण का परिवर्धन अगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से होता है। इस प्रकार के असंघ जनन में भ्रूण का जो परिवर्धन होता है ना वह अगुणित भ्रूणकोश की किसी कोशिका से होता है। यह दो प्रकार की होती है, यह कोशिका जो होती है वह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से होता है तब यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका यानी निषेचन से पहले कि अंडकोशिका उससे होता है, भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से होता है तब यह प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। लेकिन जब सेकेंड यहां पर क्या बता रहे हैं, यहां पर आप सेकेंड लगा लेना कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक कोशिका प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोगेमी या अपयुग्मन कहलाती है। पहली बात तो क्या दे रखी थी यहाँ पर कि जब भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंडकोशिका से ही होता है तो उसे अनिषेक जनन, लेकिन जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की अन्य अगुणित कोशिका से सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो उसे अपयुग्मी कहते हैं। फिर आगे देखिए, पुष्पीय जो पादप होते हैं ना जिनमें पुष्प लगते हैं, तो पुष्पीय पादपों में प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी 1950 के द्वारा असंघ जनन व अपसंयोजन को दो प्रमुख प्रकार जैसे
अनावर्तीय संघ जनन तथा पुनरावर्तीय संघ जनन में बांटा गया है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने पुष्पीय पादपों को असंजनन या अपसंयोजन, जो असंजनन या अपसंयोजन होता है, दो प्रमुख प्रकारों में उसे डिवाइड किया। फर्स्ट लिखेंगे अनावर्ती असंजनन और सेकंड पुनरावर्ती असंजनन। इन दोनों का अपन नाम लिख देंगे। दोनों का नाम लिखने के पश्चात आगे अपन देखते हैं कि इन्हें भी क्या होता है, दोबारा इन्हें डिवाइड किया जाता है। अब इनको पुनः कई प्रकारों में भी अपन डिवाइड करते हैं। अध्ययन में संक्षिप्तता की दृष्टि से यहाँ हम निम्न चार प्रकार देखेंगे। जो असंजनन होते हैं, इनके अपन ने मुख्य रूप से यहाँ पर देखा था दो भागों में बांटा गया है, फिर उनको और टाइप में डिवाइड किया गया है। तो अपन मुख्य रूप से उनके चार टाइप हैं देखेंगे। चार टाइप कौन कौन से हैं? अनावर्तीय असंजनन, पुनरावर्तीय असंजनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजनन। इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए अनावर्ती असंजनन क्या होता है। तो इस प्रकार के असंजनन में गुरु बीजाणु मातृकोशिका, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूणकोष, सामान्य अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अगुणित भ्रूणकोष का निर्माण होता है। अगुणित भ्रूणकोष का निर्माण होगा अगर इसके अगुणित अंड से बिना निषेचन, अगर इसके जो अगुणित अंड, अंड का मतलब अंड कोशिका, इसके अगुणित अंड से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। अगुणित अंड से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रकार का असंजनन क्या कहलाता है? अगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। यानी कि अगुणित अनिषेक जनन किसे कह रहे हैं? कि अगुणित अंड कोशिका या अंड से बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इस प्रकार का असंजनन अगुणित अनिषेक जनन कहलाता है। पादपों में इस प्रक्रिया का अध्ययन सबसे पहले जोर्जेनसन ने सन 1928 में किया था। काफी मोस्ट क्वेश्चन है तो नोट्स लिखते समय जो क्वेश्चन मोस्ट आता है उन्हें अंडरलाइन जरूर कर लेनी चाहिए ताकि जब दोबारा पढ़े तो वह पहले अपनी नजर उन पर जाए, अपने को याद हो जाए, या जो हाईलाइट मार्कर आते हैं उनका भी उपयोग आप लोग कर सकते हो। फिर आगे अपन देखें कि दूसरी ओर यदि भ्रूण का विकास अंडकोशिका के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद की किसी दूसरी कोशिका से होता है, यदि भ्रूण का विकास अंड के अलावा मादा युग्मकोद्भिद की किसी दूसरी कोशिका से होता है तो यह अगुणित अपयुग्मन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? अगुणित अपयुग्मन कहलाती है और यह स्थिति धतूरा और जो मक्का होता है उसमें पाई जाती है। तो अगुणित अपयुग्मन अपन किसे कहते हैं? जिसमें भ्रूण का विकास अंड के अतिरिक्त मादा युग्मकोद्भिद की किसी दूसरी सेल से होता है तो उसे हैप्लोइड एपोगेमी या अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। एग्जाम्पल धतूरा और है मक्का इसके मुख्य एग्जाम्पल है। फिर बात करेंगे सेकंड नंबर का, पुनरावर्ती असंजनन। पुनरावर्ती असंजनन तो इस प्रकार के असंजनन को युग्मकोद्भिद असंजनन भी अपन कहते हैं। युग्मकोद्भिद असंजनन भी कहा जाता है। अब इस युग्मकोद्भिद जो असंजनन होता है उसमें देखिए क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के पूर्ण नहीं होने के कारण, अर्धसूत्री विभाजन पूरा नहीं हो पाता है तो पूर्ण नहीं होने के कारण इस प्रकार के असंजनन में फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद में या स्त्री युग्मकोद्भिद में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है ना वह मातृपादप के समान ही रह जाती है अर्थात द्विगुणित होती है। और यह भी जो पुनरावर्ती असंजनन होता है दो प्रकार का होता है। पुनरावर्ती असंजनन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसे युग्मकोद्भिद असंजनन भी कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट नहीं हो पाता है जिसके कारण से मादा युग्मकोद्भिद में गुणसूत्र संख्या उसकी जनक पादप के समान ही रह जाती है अर्थात वह भी द्विगुणित ही रहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है पुनरावर्ती असंजनन, जिनमें फर्स्ट होता है अपने जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता, जनरेटिव एपोस्पोरी। इस प्रकार के असंजनन में भ्रूणकोष का विकास जो होता है वह प्रसूतक आर्किस्पोरियम, प्रसूतक की द्विगुणित कोशिकाओं से होता है, जो आर्किस्पोरियम होता है उसकी द्विगुणित कोशिकाओं से होता है तथा भ्रूणकोष की द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण बनता है।
दोबारा देखिए कि इस प्रकार के असंग जनन में जो भ्रूणकोश का विकास होता है ना, वह आर्किस्पोरियल जो सेल्स होती है कि द्विगुणित कोशिकाओं से होगा, आर्किस्पोरियम की द्विगुणित कोशिकाओं से होगा तथा भ्रूणकोश की द्विगुणित कोशिकाओं से एक द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, इसे कहते हैं जनन अपबीजाणुता। सेकंड अपने दे रखा है कायिक अपबीजाणुता सोमेटिक एपोस्पोरी। तो इस प्रकार के असंग जनन में जो बीजांड का न्यूक्लियस होता है या अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स की द्विगुणित कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूणकोश एवं द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाओं से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। दोबारा ध्यान दीजिए कायिक अपबीजाणुता क्या होती है कि इस प्रकार का असंग जनन में अपन देखते हैं कि जो बीजांड का ही अध्यावरण होता है ना, उसकी द्विगुणित कोशिकाओं से क्या बनेगा, द्विगुणित भ्रूणकोश, और द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाओं से क्या बनेगा, द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। फिर जो थर्ड नंबर की जो थी अपने विधि वह क्या थी, अपस्तानिक भ्रूणता, अपस्तानिक एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो भ्रूण जनन यानी भ्रूण निर्माण की वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका जैसे बीजांड का या अध्यावरण की कोशिका से हो जाता है तो यह अपस्तानिक भ्रूणता कहलाती है। अपस्तानिक भ्रूणता का मतलब होता है अंडकोशिका के अलावा अपन मानते हैं अन्य सेल्स, तो भ्रूणकोश के बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका चाहे वह बीजांड का या अध्यावरण की कोशिका हो सकती है, तो उनसे अगर अपन मान सकते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया होती है, भ्रूण बनता है, तो उसे अपस्तानिक भ्रूणता कहते हैं और इसे बीजाणुद्भिद असंग जनन भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल देखे तो नींबू और आम। तो क्वेश्चन आता है अपस्तानिक भ्रूणता किसमें पाई जाती है, बीजाणुद्भिद असंग जनन किसमें होता है, तो नींबू और आम याद रखना है। चौथा टाइप अपने दे रखा है कायिक असंग जनन, कायिक असंग जनन। तो इस प्रकार के असंग जनन में पादपों में पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं व कायिक प्रवर्ध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के असंग जनन में पादपों में पुष्प के स्थान पर बल्बिल्स यानी कि पत्र प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्ध का निर्माण हो जाता है तथा ये पादप पर रहते हुए क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार का असंग जनन अपन देखते हैं प्याज और अगेव जो पादप आते हैं उनमें पाया जाता है। तो एग्जाम्पल जरूर से सबके ध्यान रखना, तो कायिक असंग जनन जिसमें अपन देखते हैं पुष्पों के स्थान पर बल्बिल्स यानी कि पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवर्ध, पत्र प्रकलिकाएं अपन मान सकते हैं पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर या पत्तियों के स्थान पर आने वाली संरचना, कायिक प्रवर्ध अपन मानते हैं जो कायिक जनन में भाग लेने वाली संरचना का निर्माण हो जाता है और ये पादप पर रहते हुए क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार का असंग जनन प्याज अगेव आदि में होता है। फिर अपन बात करते हैं जो असंग जनन होता है उसका महत्व क्या होता है। तो असंग जनन महत्व हेडिंग लगाएंगे और फर्स्ट महत्व देखिए इसका, असंग जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। असंग जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है जिससे गुणसूत्रों का पृथक्करण व पुनर्योजन भी नहीं होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में अपन मानते हैं गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, तो अगर अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होगा तो गुणसूत्रों का पृथक्करण भी नहीं होगा और पुनर्योजन यानी वापस भी वह नहीं जुड़ेंगे, ये प्रक्रिया नहीं होगी। अतः इस प्रकार के जनन से बनने वाले सभी लक्षणों में मातृपादप के समान होंगे, यानी कि इस प्रकार के जनन में अपन देखते हैं कि जो भी नए पादप बनेंगे वह सेम टू सेम कैसे होंगे, अपने जनक या मातृपादप के समान होंगे जिनसे वह निर्मित हो रहे हैं। इसीलिए असंग जनन या अनिषेक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है उन्हें क्लोन भी कहते हैं अपन। क्लोन का मतलब होता है सेम टू सेम, तो ये सेम टू सेम अपने जनक पादप के समान होते हैं। अतः क्लोन तैयार करने के लिए भी असंग जनन का उपयोग किया जाता है। सेकंड देखिए, असंग जनन की प्रक्रिया में बीज अलैंगिक जनन से बनते हैं। असंग जनन की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें जो बीज बनते हैं ना वह अलैंगिक जनन से बनते हैं जिससे मातृपादप के समान क्लोनीय संततियों का निर्माण किया जा सकता है।
जिससे मातृपादप के समान क्लोनीय संततियों का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा महत्व देखिए, पसली पादपों में इस प्रकार के जनन से उसके लाभदायक लक्षणों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। फसल पादप जो होते हैं उसमें इस प्रकार के जनन से उसके लाभकारी जो लक्षण होते हैं उनको अधिक समय तक संरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी होगी तो वह सेम टू सेम जनक के समान ही आएगी, इसलिए ज़्यादा दिनों तक अपन उनको संरक्षित रख सकते हैं लाभकारी लक्षणों को। फिर चौथा जो दीर्घ का महत्व है, इस प्रकार के जनन से संकर बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। ये जो बीज होते हैं इनसे अपन देखेंगे कि संकर जो बीजों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि असंघ जनन संकर पादपों के विशिष्ट लक्षण के आस को रोकता है। असंघ जनन जो होता है वह संकर पादपों के विशिष्ट लक्षण के आस को रोकने का कार्य करता है। तो यह तो बात थी अपने असंघ जनन के बारे में, फर्स्ट विधि अपन ने डिटेल में देखिए, तो अच्छे प्रकार से आप लोग इसके नोट्स वगैरह बनाएंगे और याद करेंगे। अब जो सेकंड दे रखी अपने वह क्या है, अनिषेक बीजता यानी कि एगामोस्पर्मी। तो इसके बारे में देखिए, हेडिंग लगाइए सेकंड, एगामोस्पर्मी। तो अनिषेक बीजता में जनन इकाई या प्रवर्ध्य सामान्यतः पौधों की भांति होता तो बीज ही है, यानी इसमें भी जनन इकाई जो अपन मानते हैं वह सामान्य पादपों की भांति बीज ही होता है, लेकिन यह बीज सामान्य लैंगिक जनन क्रिया द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। नॉर्मल अपन मानते हैं बीज का निर्माण लैंगिक क्रिया से होता है, लेकिन अनिषेक बीजता में जो अपन मानते हैं कि बीज वगैरह होता है वह लैंगिक जनन क्रिया से उत्पन्न नहीं होता है। जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी, इसमें अपन देखेंगे कि जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी 2N कोशिका, 2N का मतलब द्विगुणित कोशिका, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं कंप्लीट। तो जब बीज का निर्माण बीजांड किसी भी 2N कोशिका से या असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोष की किसी कोशिका से बिना निषेचन के होता है, असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोष की किसी कोशिका से बिना निषेचन के होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। अनिषेक यानी बिना निषेचन, बीजता यानी बीज उत्पन्न होना। तो अपन मानेंगे इसमें कि जब बीज का निर्माण बीजांड की किसी भी 2N कोशिका से या असामान्य द्विगुणित भ्रूणकोष की कोशिका से बिना निषेचन के होता है तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे कहेंगे अनिषेक बीजता। और ऐसा बीज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, क्योंकि निषेचन नहीं होता है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होगा और वह सेम टू सेम अपने जनक पादप के समान होगा तो वह द्विगुणित होगा। लेकिन इसमें समस्त जीन मातृ पादप के होते हैं, यानी जनक पादप के होंगे लेकिन इसमें समस्त जीन मातृ पादप के होते हैं। अनिषेक बीजता कई प्रकार से हो सकती है, जो अनिषेक बीजता होती है वह कई प्रकार से हो सकती है। इसका प्रमुख प्रकार अपस्थानिक भ्रूणता है, जिसके बारे में अपन ने पहले पढ़ लिया है, यानी जो अनिषेक बीजता हो सकती है कई टाइप अपन इसके देख सकते हैं, जिसका एक टाइप अभी अपन ने देखा था वह अपस्थानिक भ्रूणता, जिसमें अपन ने देखा था कि भ्रूण का जो निर्माण है वह अपन मान रहे हैं कि अंडकोशिका से न होकर बीजांड की अन्य किसी भी सेल से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। तो ये दूसरी विधि थी अनिषेक बीजता। तो आज के वीडियो में इन्हीं दो विधियों का अपन ने वर्णन किया है और आशा करता हूँ समझ में भी आ गई होगी, और अब अच्छे प्रकार से आप लोग इनके नोट्स से बना लीजिए और यादें कर लीजिए। और बात बताऊंगा कि प्रत्येक स्टूडेंट्स वीडियो को देखा कीजिए, शेयर कीजिए और नोट्स बनाकर ग्रुप में जरूर भेजिए, ताकि पता चले कि आप पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा जो मेहनत करवाई जा रही है आपको ऑनलाइन क्लासेज वगैरह, वह बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स नहीं आता है। और रिस्पॉन्स का मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि वीडियो देखने के पश्चात आप लोग नोट्स बनाओ, मेरे पास ग्रुप में सेंड कीजिए, या अगर आप वीडियो भी देख लेते हैं पूरा तो उस वीडियो देखने के पश्चात ग्रुप में लिखकर भेजोगे कि सर लेसन 4 का पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने देख लिया है, तभी मैं मानूंगा कि यह वीडियो आप लोगों ने देखा है, अच्छी प्रकार से इसको याद किया
है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जो पहली बार चैनल पर आए वह डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पहले तीनों लेसन के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।